साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ जबरदस्त फैक्ट्री मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्लास पिक्चर मेकिंग के बारे में। कांच के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की एक पाइप पर बॉयलर से पिघला हुआ कांच लिया जाता है। फिर इस कांच को थोड़ा प्रोसेस करके इसमें मुंह से थोड़ी हवा डाली जाती है। फिर इसे कांच के छोटे छोटे कलरफुल टुकड़ों पर घुमाया जाता है ताकि इस कांच में डिजाइन डाली जा सके। फिर इसे बॉयलर में वापस से गर्म करके इसे थोड़ा और फैलाया जाता है, जिसके बाद कांच के टुकड़े इसमें अच्छी तरह से मिल जाते हैं। फिर इसे एक फ्रेम में डाला जाता है और इसमें मुंह से हवा देते हुए इसे गोल गोल घुमाया जाता है, जिसके बाद ये एक मटकी यानी पिक्चर का आकार ले लेता है। फिर एक बार इसे वापस से बॉयलर में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इस पिक्चर को गोल गोल घुमाते हुए इसकी नेक बनाई जाती है। नेक बनाने के बाद इस पर गर्म कांच से हैंडल लगाया जाता है। इसे काफी सावधानी से पिक्चर पर लगाया जाता है। फिर फाइनली इसके स्टील पाइप को हटाकर इसे फ्लेम से हीट करते हुए इसे नीचे से भी पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये ग्लास पिक्चर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब बात करेंगे विंडो ग्लास मेकिंग की। विंडो ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले रॉ ग्लास को बॉयलर में गर्म किया जाता है। जब ये ग्लास गर्म हो जाता है तो इसे कंटेनर में लिया जाता है और इसे स्टैंड पर रखकर जल्दी से मशीन तक लाया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर इस मशीन को चलाकर इसकी पतली लेयर बना दी जाती है। फिर इसे काटकर साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। और जब ग्लास में कोई कलर या टेक्सचर देना होता है तो इसमें रॉ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जिसे एक वर्कर द्वारा अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद इसे रोलिंग मशीन पर डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस ग्लास की पतली लेयर बना देती है। ग्लास के तैयार होने के बाद इसकी काफी सफाई से कटिंग की जाती है। यहाँ इसके चारों तरफ के खराब हिस्सों को हटाकर पेस्ट ग्लास अलग कर दिया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों ग्लास मार्बल मेकिंग की। दोस्तों, कांच के कंचे बनाने के लिए सबसे पहले रिसाइकल ग्लास को बॉयलर में गर्म किया जाता है। फिर बॉयलर में गर्म इस कांच को कई छोटे छोटे आउटलेट्स से निकाला जाता है। यहाँ आउटलेट्स के आगे एक कटिंग मशीन लगी होती है, जो कि इस गर्म लिक्विड को छोटे छोटे पीसेस में काटती जाती है। काटने के बाद इन पीसेस को आगे लगे रोलर से गुजारा जाता है, जहाँ इन्हें परफेक्ट राउंड शेप दी जाती है। राउंड शेप देने के बाद इन्हें कंटिन्यू आगे भेजा जाता है और लास्ट में इन्हें कलेक्शन पॉइंट्स पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और ठंडा होने के बाद इन्हें कंटेनर में भर दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं मैचस्टिक मेकिंग की। माचिस की तिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के एक लोक को एक मशीन पर लगाकर इसकी पतली पतली लेयर उतार ली जाती है। फिर इन लेयर्स को एक के ऊपर एक रखकर इन्हें एक मशीन में डाल दिया जाता है। यहाँ ये मशीन इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटती जाती है, जिनकी साइज एक माचिस की तिल्ली जितनी होती है। फिर इन कटी हुई तिल्लियों को एक कॉन्वेयर पर से गुजारा जाता है, जिससे इसमें से छोटी छोटी तिल्लियां अलग हो जाती है और एक फिक्स साइज की तिल्लियां अलग रह जाती है, जिन्हें यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर इन सभी तिल्लियों को एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इन तिल्लियों को एक कन्वेयर पर लगाती जाती है। फिर इस कन्वेयर पर लगी तिल्लियों को आगे की तरफ पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस के लिक्विड मिक्सचर में डुबोया जाता है, जिसके बाद ये तिल्लियां पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। फिर इन तिल्लियों को एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए एक फिक्स अमाउंट में इनके बॉक्सेस में भर दिया जाता है। तिल्लियों को बॉक्सेस में भरने का काम ये मशीन काफी तेजी से करती है। फिर इन छोटे छोटे बॉक्सेस को भी एक बड़े बॉक्स में भरकर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं पेंसिल मेकिंग प्रोसेस की। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले पेंसिल की लीड तैयार की जाती है। इसके लिए एक कंटेनर में ग्रेफाइट और क्ले को मिलाकर इसका पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर इस पेस्ट में से ये मशीन पेंसिल की लीड्स तैयार करती जाती है। इन लीड्स को यहाँ कुछ समय तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद इन लीड्स को एक मेटल कंटेनर में भरकर हीटिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है। यहाँ इन लीड्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर इन लीड्स को हीटिंग चैम्बर से निकालकर इन पर गर्म गर्म वैक्स डाल दिया जाता है। ये दोनों प्रोसेस पेंसिल लीड को स्ट्रॉन्ग और स्मूथ बनाने के लिए की जाती है। इन सब के बाद शुरू होता है पेंसिल के लिए लकड़ी बनाने का काम। सबसे पहले लकड़ी की एक प्लाई के ऊपर एक मशीन के जरिए सांचे बनाए जाते हैं और इन मशीन के जरिए इन पर ग्लू भी लगाया जाता है।
ग्लू लगाने के बाद इन पर पेंसिल लीड रख दी जाती है और फिर ऐसी ही एक लकड़ी की प्लाई इनके ऊपर और रख दी जाती है और फिर इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ग्लू के सूखने के बाद इन सांचों को एक शेपिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां ये मशीन इन सांचों में हेक्सागोनल, राउंड और ट्रायंगल शेप में पेंसिल काटती जाती है। इन पेंसिल्स के काटने के बाद इनकी पेंटिंग का काम शुरू होता है। इन पेंसिल्स को यहाँ फिर डिफरेंट डिफरेंट रंगों में रंगा जाता है। इन पर कलर पेंटिंग के बाद इनकी स्टैम्पिंग का काम भी किया जाता है। एक मशीन द्वारा इन पेंसिल पर कंपनी के स्टैंप लगाए जाते हैं। फिर फाइनली इन पेंसिल्स के पीछे वाले हिस्से को एक बार फिर से कलर में डुबाया जाता है। इस तरह से ये पेंसिल्स तैयार होती है दोस्तों। फिर इन तैयार पेंसिल्स को अलग अलग बॉक्सेस में पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर मेकिंग की। एलपीजी सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की राउंड शीट ली जाती है। फिर इस शीट को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाकर इसे हाफ कैप्सूल का शेप दिया जाता है। फिर आगे लगी एक मशीन इस कैप्सूल्स की वेस्ट एजेस को काटती जाती है। फिर इस हाफ कैप्सूल के ऊपर वाले होल में एक नोजल को वेल्ड किया जाता है। नोजल वेल्ड करने के बाद इसके ऊपर की तरफ एक फ्रेम भी वेल्ड कर दिया जाता है, जो कि सिलेंडर को पकड़कर उठाने के काम में आता है। फिर ऐसा ही एक हाफ कैप्सूल और लिया जाता है, जिस पर सिलेंडर के स्टैंड वाला हिस्सा वेल्ड किया जाता है, जिससे सिलेंडर के नीचे वाला बेस तैयार होता है। फिर फाइनली तैयार किए गए दोनों हाफ कैप्सूल्स को आपस में वेल्ड कर दिया जाता है, जिससे एक पूरा सिलेंडर तैयार हो जाता है। फिर इस तैयार सिलेंडर को एक हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है और फिर इन सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग की जाती है। हाइड्रो टेस्टिंग के बाद इन सिलेंडर्स पर कलर किया जाता है। इन्हें एक हैंगर से लटकाकर इन पर स्प्रे गन से कलर स्प्रे किया जाता है और फिर फाइनली सिलेंडर पर एक एक करके वाल्व लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद ये सिलेंडर पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।